हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रियलमी 2 प्रो की अनबॉक्सिंग। ये है डब्बा इस तरह का और अब हम इसको खोल देते हैं। वैसे हमने पहले इसको खोला है पर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा। ऊपर ही आपको कुछ मिल जाता है इस तरह से, इसको हम देखेंगे इसमें, चलो देख लेते हैं। फिर भी उसके बाद भी यह सिम डिटेक्टर टूल और नीचे केस भी मिला आपको और इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये है, फिर ये है, फिर ये पेपर वर्क ऐसे ही फालतू के जिनको कोई पढ़ता नहीं है। और नीचे ये रखा है आपका फ़ोन, इसको हम पहले साइड में रख देते हैं। साइड में मतलब बोले तो इसके ऊपर, और इसके नीचे ये मिल जाता है हमें चार्जर। और इसकी आउटपुट रेटिंग अगर हम देखें तो ये है 5W 2A का, मतलब 10W का आपका चार्जर है। और आपको माइक्रो यूएसबी 2 केबल मिल जाती है, ये सब आपको डब्बे के अंदर मिल जाता है। उसके बाद सीधी बात करेंगे फ़ोन की। फोन को पहले तो हम इस रैप से निकाल देते हैं बाहर, यार निकल नहीं रहा है। तो निकल गया भाई, निकल गया आपका फोन। ये फोन कुछ इस तरह से, बैक में आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और ये है। और बैक में फिनिश अच्छी है और ये। और अब हम इसको करते हैं ऑन, रोक दे वीडियो। तो ये हमने फोन ऑन कर लिया, पहले तो हमने इसको सेट करके रख लिया है। और ये है हमारा पासवर्ड और ये हो गया ऑन। ये मिलती है आपको इसमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। फ्रंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है 16MP का कैमरा जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें हम देख सकते हैं, ये है हमारा कैमरा, इसमें आप देख सकते हो ये बैकअप कैमरा कुछ इस तरह से है। और इसके सैंपल अगर हम लें तो मतलब बोले तो अच्छा कैमरा है। इसकी फ़ोटो हम देखते हैं, फोटो इसमें। और ये काफ़ी अच्छा है मतलब बोले तो। उसके बाद बात आ जाती है हमारे फ्रंट कैमरा की। और उसके बाद ये है हमारे पास फ्रंट कैमरा और ये हम इसमें वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो फोन इज लॉक्ड। और अरे यार, एक तो ये देखो, ये इस तरह से है कुछ फ्रंट कैमरे के लिए, मतलब अच्छा है। और उसके बाद ये हमने कर लिया कट। और मैं बात करते हैं फ़ोन के और फीचर की। इसमें बैक में आपको मिल जाता है 16+2MP का कैमरा, LED फ्लैश के साथ है और नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और बस उसके बाद बात करते हैं हम इसके यूनिक फीचर की। इसमें आपको मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच और फिर साथ में 16MP का कैमरा, बैक में 16+2MP का कैमरा है। और इसमें आपको फेस अनलॉक मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट है। एक मिनट, ये था आपका फोन कुछ इस तरह से है। अब देख सकते हो आप, ये हमने इसको कर लिया है। और बस ये हमने लिया है 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, देखने में काफ़ी अच्छा और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। बैक से आप देख सकते हो और डायमंड कट के साथ आ जाता है, बट इसको आप बिना केस के रख सकते हो क्योंकि इसकी जो बॉडी जो बनी है वो बनी है पॉलीकार्बोनेट की। पर देखने पे जो लगती है आपको, आप फील नहीं कर सकते हो क्योंकि जो इसकी जो फिनिशिंग दी गई है वो ग्लास फिनिशिंग है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये मेटल की बॉडी है। तो ये था फ्रेंड पूरा स्मार्टफोन। अगर उसके बाद प्राइस, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस और डिज़ाइन की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर जो एड्रीनो 512 पे वर्क करता है, मतलब AI के फीचर्स में सारे आपको भर भर के दिए जाते हैं। और डिज़ाइन आपको पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है और ग्लास की फिनिश है, वो आपको मैंने पहले बता दिया। उसके बाद बात आती है रैम और स्टोरेज की। इसमें आपको 3 वेरियंट मिल जाएंगे, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। और उसके साथ आपको स्टोरेज की
अगर की जाए तो 64 GB और 128 GB की स्टोरेज दी गई है आपको। 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज है जो हाई वेरिएंट है। और उसके प्राइस की अगर बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 17,999 रुपये का, और 6 GB रैम 64 GB इंटरनल वाला ये 16,000 का, और 4 GB रैम 64 वाला जो हमारे पास ये जो है ये है 13,999 बोले तो मतलब 14,000 का। सो फ्रेंड ये था कम्प्लीट रियलमी 2 प्रो, बोले तो ये एक कम्प्लीट पैकेज है 14,000 में। ये यार 16,000 वाला उतना खास नहीं है क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज तो सेम ही मिल जाती है, रैम का उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मतलब आप अगर आपका बजट 15,000 से कम है तो आप 4 GB रैम 64 वाला ले सकते हो, और अगर आपका 20,000 बजट है तो 8 GB और 128 GB वाला ले सकते हो, क्योंकि उसमें जो स्टोरेज दी गई है वो USF2 स्टोरेज दी गई है जो मतलब नई, और जिससे आपका डाटा जो ट्रांसफ़र और कस्टमाइज जो होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। सो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इंद्र को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।